भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत में राष्ट्रवाद कहें, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कहें, और आज हम आपके बीच में हैं। अंग्रेजों के भारत आगमन, अंग्रेजों के आगमन के साथ व्यापार के बहाने उनका भारत में अपना राज्य विस्तार करने की कहानी के साथ शुरुआत हम करते हैं। अंग्रेज कैसे भारत आए, जैसा कि हम जानते होंगे यूरोपीय कंपनियां भारत में आने की शुरुआत जब करती है, लगभग वो दौर था 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक से, और पुर्तगाली से व्यापार, पुर्तगाली कंपनी पहले आती है, फिर उसके बाद अन्य कंपनियों का आना होता है, और इसी दौरान अंग्रेजों का भी आना होता है। अंग्रेजी कंपनी के भारत में आने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की ओर। उन दिनों ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जब द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग, द गवर्नर ऑफ एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई। ब्रिटेन की महारानी से इनको फरमान मिला, यानी शॉर्टकट इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इनको फरमान मिला पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का। ये फरमान उनको जो प्राप्त हुआ था, यानी उनको जो एक पत्र के माध्यम से एक अधिकार जो सौंपा गया था, वह महज 15 वर्षों का था, लेकिन कालांतर में वो 20-20 वर्षों के लिए उसे बढ़ाया गया। अर्थात 15 वर्षों का जो फरमान पत्र उन्हें मिला, समय बीतते गए, 20-20 वर्षों तक उनको विस्तारित किया गया। अब ये फरमान मिलने के बाद सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर और
उनके लिए सबसे कह सकते हैं कि एक गोल्डन अवसर तब प्राप्त होता है जब 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से उनको एक फरमान मिलता है कि आप गोलकुंडा के व्यापारिक जहां जहां गोलकुंडा के कह सकते हैं जहां पतन है, जहां बंदरगाह है, वहां से आप व्यापार कर सकते हैं। यानी गोलकुंडा वर्तमान में देखेंगे तो तेलंगाना में पड़ता है, लेकिन उस समय गोलकुंडा एक बड़ा बड़ा सा क्षेत्र था, बड़ा राज्य था, और इसको गोलकुंडा के सुल्तान से फरमान मिला कि आप 500 पगोड़ा सालाना देकर, 500 पगोड़ा करेंसी है उस समय की उस क्षेत्र की, 500 पगोड़ा सालाना दीजिए और गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार करिए। फिर क्या था, उनकी उनको आगे सफलता मिलती जाती है। 1639 ईस्वी में मद्रास और 1651 ईस्वी में हुगली में भी उनके कारखाने स्थापित होते हैं। 1600 सवाल मद्रास का है तो 1639 ईस्वी में मद्रास जो उन्होंने प्राप्त किया था वो चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था पट्टा पर, और चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर वहाँ प्राप्त करते हैं मद्रास को, कारखाना स्थापित करते हैं और कारखाना की किलाबंदी करने के नाम से उन्होंने स्थापित कर चारों तरफ से उसे किलाबंदी कर दी, अर्थात एक प्रकार से कहा जा सकता है चार दीवारी में कैद किया कारखाने को, किलाबंदी किया, और उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज वह नाम, ये जो किलाबंदी किया गया किला था वो अंग्रेजों का, मद्रास मिला ध्यान में रखना है चंद्रगिरी के राजा से। इस बीच में 1651 में हुगली में भी उनका बनता है। थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे इस 39 से पहले, पूर्वी भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना, ये सारा चीज दक्षिण पश्चिम की ओर हो रहा था, पूर्व की ओर रुख करते हैं तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना खुलता है उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। उड़ीसा में पूर्वी भारत में प्रथम कारखाना खुलता है, और फिर क्या था, एक जगह क्या उनको मिला, फिर धीरे 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 वो आगे बढ़े और बंगाल में, बिहार में, पटना में, बालासोर में, ढाका में इत्यादि जगहों पर भी अपने कारखाना को स्थापित किया। इस दौरान एक और बड़ी घटना घटती है जो बहुत ही अर्थपूर्ण रख है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन के विस्तार को लेकर। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय हैं उस समय, 1661 ईस्वी में उनकी शादी विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना से, पुर्तगाली राजकुमारी से उनका विवाह होता है, और उन दिनों पुर्तगाल का बंबई पर कब्जा था, पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में मिला। अब जनाब दहेज में मिले इस बंबई को करते क्या, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 1668 ईस्वी में, ध्यान में रखना है 1661 ईस्वी में कैथरीना से उनका विवाह होता है, और 1668 ईस्वी में अपने दहेज में मिले मुंबई को सौंप देते हैं चार्ल्स द्वितीय साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया, यानी 10 पाउंड वार्षिक किराया दीजिए हमको और आप उस मुंबई को संभालिए, बंबई को संभालिए। उन दिनों बंबई था, आज का वो मुंबई है, जैसे मद्रास को हम लोग अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1661 ईस्वी आते आते उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी, लेकिन यानी व्यापारिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, व्यापारिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गई थी। उधर मुगल सम्राट भी बदलते जा रहे हैं, अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगर हमसे यह जाना जाए कि अंग्रेजों की कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि उसकी स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे, जिस समय हॉकिंस आए जहांगीर थे, हॉकिंस को कुछ विशेष मिला नहीं लेकिन 3 साल व्यतीत किए, और मिला जहांगीर से अगर उनको तो 400 मनसब के साथ जागीरदारी मिली, फारसी भाषा के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। फिर आए टॉमस रो, दोनों हॉकिंस और टॉमस रो दोनों जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आते हैं। टॉमस रो को उन दिनों गुजरात के सूबेदार खुर्रम थे जो कालांतर में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठते हैं, उनके द्वारा जगह दी गई, और फिर उसके बाद से मद्रास कब्जा किया, हुगली मद्रास मिला चंद्रगिरी के राजा से, हुगली लिया, 1633 में उड़ीसा पहुंचे, फिर 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की
शादी होती है कैथरीना से और इस प्रकार से उनका विस्तार होते जाता है। इसकी इसकी बाद वो कैसे 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 संपूर्ण भारत में अपने राज्य को फैलाते हैं, इसकी कहानी हम आपके बीच में लेकर उपस्थित होंगे। तब हम भारत में अंग्रेजों के आगमन और उनके व्यापारिक विस्तार के पार्ट टू के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।